Hey guys, welcome back to the channel. My name is Udit और आप देख रहे हैं उदित वर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। एक्चुअली यार मैं जा रहा हूँ सेक्टर 16 की मार्केट। तो क्या करने जा रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। दो दिन पहले यार मैं थोड़ा हाईवे पे गाड़ी स्पीड में चला रहा था और उस स्पीड में चलाने के चक्कर में मेरा जो लेफ्ट साइड वाला डोर वाइजर है ना यार, वो उड़ के निकल गया। अब वो कैसे निकल गया यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार बाकी सब तो एकदम इंटैक्ट है। देखिए ये लगे हुए हैं, पीछे के भी लगे हुए हैं, बट ये वाला निकल गया। अब हो सकता है कि वहां पे आगे में थोड़ा सा ग्लू निकल गया हो, कुछ हो। अब यार प्रॉब्लम ये है ना कि एक सिंगल पीस तो मिलता नहीं है, तो अब मुझे वो चारों लेने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेक्टर 16 की मार्केट और देखते हैं कि कैसा मिलता है, किस क्वालिटी में मिलता है। क्योंकि मैंने ये वाले जो खरीदे थे ना, ये गैलियो के थे यार, और ये मैंने करोल बाग से परचेज किए थे और काफी अच्छी क्वालिटी थी यार, और वो टूटा नहीं है, वो सिर्फ निकल गया है। तो वो चीज थी। अब यार कभी कभी ना इसकी डबल टेप की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, तो उस चक्कर में है। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं सेक्टर 16 की मार्केट और देखते हैं कि क्या मिलता है अपने को, किस तरीके का मिलता है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी मैं वहीं पर चल के दिखाता हूं आपको। और गाइस हमारे लेफ्ट साइड में आपको स्कोडा कुशाक दिख रही होगी। भाई ने देखिए मॉडिफिकेशन कितना प्यारा सा कर रखा है, ऑल ब्लैकआउट। अच्छा ये मोंटे कार्लो एडिशन है, मोंटे कार्लो एडिशन है उसने, और उसमें थोड़ा सा ब्लैक का टचअप करा दिया, तो सही लग रहा है यार। सैटरडे को भी यार सेक्टर 18 में इतनी ट्रैफिक है। अच्छा मार्केट है ना, मार्केट में लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है भाई, तो लोग शॉपिंग तो करेंगे ही करेंगे। और गाइस हमारे आगे लेफ्ट साइड में देखिए आपको दिख रही होगी होंडा की एलिवेट। यार ये गाड़ी ना इस समय काफी बूम पे चल रही है। बाकी नेक्सॉन ने अपना जो न्यूअर वर्जन है वो निकाल के यार धमाल मचा ही दिया मार्केट में। टाटा टाटा है बाबा, टाटा का मुकाबला कोई नहीं है। देखिए टाटा की बात करी और टाटा दिख गई अपने को। ये नई वाली नेक्सॉन भी यार एकदम फ्यूचरिस्टिक है बाबा, जमाना चेंज हो गया। अब अपनी गाड़ी बुढ़ी बुढ़ी सी लगने लगी है। ये सब चीजें ना, स्लीक डिजाइन एकदम एलईडी, एकदम क्या ही फोकाल बना दिया यार। ये देखो अलग ही लुक है, बट ये ऊंची बहुत है बाबा, बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया टाटा ने, है ना, ये चीज है। तो यार बड़ी गंदी फसल में फंस गया हूँ मैं। इधर से यार मैं आता नहीं हूँ वैसे जनरली, बट क्या किया जाए यार। सैटरडे सोच के मैं आया था कि ट्रैफिक नहीं होगी, बट भैया जो आप सोचते हो वो होता नहीं है, ट्रैफिक कभी भी कहीं भी मिल सकती है। तो भाई हम पहुंच गए सेक्टर 16 के ट्रैफिक जैम में एज यूजुअल। और हाँ एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि यार हमने ना कुछ दिन पहले ये कहीं आर्मरेस्ट लगाया था, ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके। मैंने आर्मरेस्ट परचेज किया था और उसको इंस्टॉल किया था, और यार इसको लगा के हो गया है टाइम, लगभग मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे, 4 महीने तो हो ही गए होंगे यार। तो इसका रिव्यू मैं दूंगा आज की वीडियो में। देखिए ये हिल रहा है, और क्या कंडीशन रही है, कैसा है, और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वही मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए पहले अपना वाइजर का काम करते हैं, उसके बाद बताएंगे आर्मरेस्ट के बारे में। तो गाइस हम पहुंच गए ऑटो मार्केट में। यार सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर। एक चीज और है यार, अपनी हेडलाइट भी जो टूटी है ना, तो उसको भी चेक करेंगे आज अगर यहाँ पर मिल जाती, क्योंकि यहाँ पर ना एक शॉप है जहाँ पर यूज हेडलाइट और पुरानी हेडलाइट्स मिल जाती हैं। तो अगर अपने को अच्छी कंडीशन में पुरानी हेडलाइट मिल जाती है ना, तो अपन वो भी ले सकते हैं यार, क्योंकि यार नई हेडलाइट ना काफी महंगी है, लाइक 7,000-8,000 के आसपास की एक हेडलाइट है। तो वो चीज है, चलिए देखते हैं। पहले तो वाइजर लेते हैं, उसके बाद हेडलाइट के लिए देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है। तो गाइस ये आ गए हैं अपने वाइजर, अब लगते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पुराने वाले ने हटा दिए भाई ने, और अपन पी रहे हैं यहाँ पे चाय। सो गाइस वाइजर अपने लग गए हैं, ये देखिए ये थोड़े अलग से लगे हुए हैं, ये इसमें कुछ एक टेक्सचर सा बना हुआ दिख रहा है आपको, ये देखिए। और यहाँ फोक्सवैगन की बैजिंग है, तो ये है, काफ़ी सही रेट में मिल गया यार। और कार गैजेट में आया था, मैं अक्सर यहीं आता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि यार नोएडा में अगर मैं कोई काम कराता हूँ तो यहीं से कराता हूँ, ये एसेसरीज वगैरह इन सब चीज़ों का भी जो भी काम होता है। तो ये चीज़ है, देख सकते हैं फिटिंग तो प्रॉपर आई है, बस अब ये निकलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यार इसके नीचे ना पहले वाला जो मैंने लगाया था ना, उसमें मैंने क्लीन तो किया था, बट वो मैंने कोई भी प्राइमर वाइमर नहीं लगाया था। अभी भाई ने जो लगाया है ना इसमें, प्राइमर लगा के लगाया है, तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है। और हेडलाइट का भी यार मैंने पता किया, हेडलाइट ना अभी तो मिल नहीं रही है यहाँ पर, तो देखते हैं जुगाड़ करते हैं कुछ, एक बार इसको खोल के भी देख सकते हैं अपन कि क्या हो सकता है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको कि आर्मरेस्ट का क्या हाल है और कैसी कंडीशन है और क्या क्वालिटी निकली है इतने टाइम के यूज़ के बाद। सो गाइस वाइजर का काम हो गया है अपना कंप्लीट, हम निकल आए ऑटो मार्केट से बाहर और ये लग गए हैं कुछ इस तरीके का वाइजर है, आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा। मैं काम करता हूँ, मैं जब घर पहुँचने वाला हूँ मैं आपको एक अच्छी सी लाइट वाली लोकेशन में पहुँच के आपको दिखाता हूँ वाइजर का लुक आ कैसा रहा है। यार पुराने वाले अपने गैलियो के थे और ये किसी नॉर्मल पता नहीं मुझे कौन सी कंपनी के हैं, बट हाँ ठीक है यार क्वालिटी अच्छी लग रही है और फुल ब्लैक है, उससे ज़्यादा ब्लैक है। वो थोड़े से फेडेड से थे, लाइक वो कम ब्लैक थे, ट्रांसपेरेंसी उनमें थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो ट्रांसलूसेंट थे, ये एकदम जेड ब्लैक है। और ये
वाइजर अपने को पड़े हैं मात्र 500 रुपए में, और पुराने वाले भी मेरे हिसाब से ऐसा ही है। वो मैंने निकाल के रख लिए हैं यार, इमरजेंसी में कभी एक निकल जाए तो अपन दो चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज है। बाकी रही आर्म रेस्ट की बात, तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हाईवे से आगे निकलते हैं, गाड़ी में जहाँ पर रोकूंगा वहां पर आपको वाइजर भी दिखाता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ आर्म रेस्ट की कहानी कि आर्म रेस्ट ने कैसा परफॉर्म क्या किया लाइक कैसा रहा कंफर्ट वाइज और क्वालिटी वाइज मैं बताऊंगा। देखिए रिव्यू मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं उसको यूज कर सकूं, और अब ना मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर चुका हूँ, तो अब मुझे पता चल गया है कि कैसी क्वालिटी है, क्या है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या हुआ है, तो वो सारी चीजें हम आगे चल के बात करते हैं। मैं गाड़ी लगाता हूँ एक जगह सुकून की जगह में जहाँ पे लाइटिंग अच्छी होगी, और वहां पर मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा। जाम से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। गाइस हमारे आगे जा रही है सुजुकी की जिमनी, और भाई ये तो बच्चा लग रही है बे, एकदम छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, ये वीडियोस में बड़ी लगती है खाली, वैसे बहुत छोटी है भाई, ऐसा लग रहा है वैगनार को ऊंचा करके बना दिया गया हो। ऑल ग्रिप अच्छा है तो बाबा ये भी कैपेबल। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने घर के पास, और यहाँ पर यार मुझे थोड़ी लाइट वाइट मिली है रोड के किनारे, और मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा ली है। और यार नोएडा में ना इतना धुंध है ना, इतना पॉल्यूशन है, आप देखो कितना खतरनाक पॉल्यूशन है, लाइक लाइट्स भी इतनी हल्की लग रही है। चलिए पहले आपको वाइजर दिखा देता हूँ मैं कि वाइजर कैसा लगा है। तो कुछ इस तरीके का वाइजर है, अब यहाँ पर लाइट में आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ऐसा है। क्वालिटी ठीक ठीक है, बढ़िया है, और इसमें एक थोड़ा सा मेश का डिज़ाइन है हल्का सा, और यहाँ पे फोक्सवैगन की बैजिंग है, और ये बिल्कुल जेड ब्लैक है, और उससे काफ़ी बड़ा है, लाइक पिछली वाला जो था ना वो थोड़ा सा छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है। अब ये टिकना चाहिए क्योंकि नीचे प्राइमर लगा हुआ है, बट यार इसमें स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी हैं, तो वो चीज़ है। तो ये है, बाकी क्वालिटी अच्छी है यार। देखिए बिना वाइज़र से तो अच्छा ही है कि वाइज़र लगा है, और 500 रुपये में क्या लोगे आप, इधर नहीं दिख रहा है आपको। बाकी यार लाइट का मैंने पता किया, लाइट अपने को मिली नहीं वहाँ पर एक अपने को भाई मिला, वो कहता है कि मैं इसको सही कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे एक बार, वो भी चेक करा के देख लेंगे। ओके तो अब हम बात करते हैं अपने आर्म रेस्ट की। तो आर्म रेस्ट की अगर हम बात करें तो यार आर्म रेस्ट था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, बट ये उतना ड्यूरेबल नहीं है यार। ड्यूरेबल इन द सेंस, अगर यहाँ से हम इसकी बात करें, जो पीछे से इसका कनेक्शन है वो एकदम स्ट्रांग है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर का ये जो हिस्सा है ना, अब ये देखो हिल रहा है, तो ये लूज़ हो गया है। मैं इसको पीछे करता हूँ, यहाँ से देखो आप समझ में आएगा, ये देखिए है ना पूरा हिल रहा है वो नीचे से, लाइक क्वालिटी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप इस पर लोड डाल देते हो ना, एक लाइक इस पर हाथ रख के आप उठते हो या इस पर ऐसे लोड डालोगे ना, तो यार ये गड़बड़ हो जाता है, जो इतना हो गया ना गड़बड़। अंदर देखिए आप, कभी कभी क्या होता है ना, इसको खोलने पे ये चीज़ यहाँ से निकल जाती है, ये बाहर आ जाती है, तो वो एक चक्कर है, ऐसे खोलने पे कभी कभी तिरछा हो जाता है। ये देखिए ये बाहर आ गया, ये देखिए ये पूरा बाहर आ गया, तो वो चीज़ है यार, उसकी इतनी टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है। मैंने जब पहले लगाया था तो मैंने कहा था कि सही लग रहा है, क्योंकि देखिए यार उस समय तो काफ़ी सही लग रहा था, बट अब जब यूज़ किया है इसको ओवर द टाइम यार, वो मज़ेदार नहीं है। बाकी मैं देखता हूँ अगर मुझे इससे बेटर क्वालिटी का कुछ मिलता है मार्केट में, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने के लिए, क्योंकि यार इसको ज़्यादा दिन और नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल उखड़ जाएगा। बाकी देखिए जब मैंने लगाया था इसको ना, तब एकदम स्टर्डी था, काफ़ी टाइम तक रहा, लेकिन जब ओवर द टाइम यूज़ होता रहा ना, होता क्या जब कोई को पैसेंजर बैठता है ना, तो वो को पैसेंजर बैठ के इस पर कभी कभी लोड भी डाल देता है। अब जैसे मैं तो नहीं डालता हूँ लोड उतना, लेकिन कभी कभी आदमी ऐसे बैठ के उड़ भी जाता है, खिसकता भी है, तो यार इन सब केसेस के लिए है नहीं, लाइक फ्रजाइल है काफी, तो मैं अब रिकमेंड नहीं करूंगा इसको उतना ज्यादा। लाइक कि देखिए आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, आपको कंफर्ट भी देगा आपके हाथ को, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।